आज शिवरात्रि पर भक्ति में तो तमाम पूर्वांचल हुआ पड़ा है, मगर इस भक्ति में जोश जुनून और इस रस को गहरा कर रहा है भोजपुरी के वो कावर गीत, वो शिव भक्त गीत, जो कि पवन सिंह और ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव की आवाज में गाए हुए हैं। सही सुना आपने, आज फिर एक बार दो शिव भक्तों का बोलबम गीतों के मैदान में आमना सामना हुआ है। दोनों सुपरस्टार शिवरात्रि के पावन पुण्य दिन पर अपने अपने अलग थीम वाले बोलबम गीत लेकर हाजिर हो गए हैं। अब ये तो आप जानती हैं कि अगर पवन खेसारी दो महारथियों के एल्बम का आमना सामना हुआ है, तो रिलीज से लेकर अब तक इन घंटों में किसके एल्बम का पड़ रहा और असर ऑडियंस के सर पर भारी पड़ा है, इस बारे में हम बात करेंगे ही करेंगे। तो चलिए फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं कि किसका शिव भक्ति से भरे बोलबम गीत का रंग जनता के सर चढ़ कर धूम मचा रहा है। पवन सिंह, शुरुआत करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के कांवर गीत से, जो कि DRS म्यूजिक के ऑफिशियल YouTube चैनल पर रिलीज किया गया है। बता दें कि ये पवन सिंह का इस सावन का अब तक लाया तीसरा बोलबम गीत है। अब तक दो बोलबम गीतों ने YouTube की मेल लिस्ट से लेकर बाकी और जगह क्या कोहराम मचाया हुआ था रिकॉर्ड्स का, आप हमसे बेहतर जानते हैं। और इस वाले की बात की जाए तो बाकी दोनों से अलग जान पड़ा है ये वाला बोलबम गीत, क्योंकि इसमें पवन सिंह और स्मृति सिन्हा बने हैं जीजा साली और कर रहे हैं देवघर भोलेनाथ के दर्शन करने जाने के लिए खट्टी मीठी नोकझोंक। शिल्पी राज ने इस गाने में पवन सिंह के साथ जबरदस्त जुगलबंदी दिखाई है, वहीं केमिस्ट्री दोनों लीड पेयर की A1 है। जहां तक बात है ऑडियंस के रिएक्शन की, तो 3 घंटे के रिलीज में ही ये गाना 5 लाख के आंकड़े तक पहुंचने जैसा जबरदस्त रिकॉर्ड बनाने ही वाला है बस। और क्या पता कि इस वीडियो के आने तक ये आंकड़ा पार भी कर दे। व्यूज के बढ़ते नंबर्स आपको बताने के लिए काफी है कि उनके तीसरे बोलबम गीत को लेकर भी जनता में किस लेवल का माहौल बन रहा है। खेसारी लाल यादव, अब बात करते हैं ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव की, जिन्होंने भी कम तूफानी पारी नहीं खेली इस सावन में। एक्टर का ऐसा कोई सावन गीत नहीं जो कि जनता के मन को ना भाया हो। उनके हर एक बोलबम गीत, कांवर गीत, सावन गीत ट्रेंडिंग लिस्ट से लेकर लोगों की जुबान तक पे चढ़े हुए छाए हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात करें तो आज हिट मशीन का नया बोलबम गीत रिलीज हुआ है नए यूट्यूब चैनल गर्दाफार भोजपुरी से। इसे गाया है खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की हिट जोड़ी ने। लिखा है अखिलेश कश्यप, रतन राजगुरु ने। म्यूजिक दिया है रोशन रॉक ने। और गाने में खेसारी फिर एक बार एक अलग अवतार में नजर आए हैं, यानी वो गांजा पीते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ का एक ये भी अवतार है। इसके बारे में हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग वाकिफ होंगे। हम बात करें अगर गाने की, तो गाना की सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से, म्यूजिक के लिहाज से काफी अच्छा है। और वही नए चैनल पर रिलीज होने के बावजूद भी गाने को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि हिट मशीन के गाने के लिए यूट्यूब का माहौल मिनट से पहले ही बदल जाता है। जो गाने लाख व्यूज पार होते हैं, वही गाने कुछ घंटों बाद देखने पर 1 मिलियन के करीब पहुंचे हुए नजर आते हैं। ऐसे में अभी जो हमने आंकड़े बताए वो अभी के हैं। अगले कुछ घंटों में माहौल क्या बनेगा, इस बारे में हम भी नहीं जानते। तो दोनों सुपरस्टार्स के गाने और उन पर जनता का रिस्पांस कैसा है, हम आपको इस बारे में बता चुके हैं। बाकी आप बताइए कि आपकी नजरों और कानों में दोनों में से किस सुपरस्टार के बोलबम गीत की धुन बार बार बज रही है। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।